वेलकम टू स्मॉल टेक पीसेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा एक ग्राफिक कार्ड। जी गाइस, ये जो ग्राफिक कार्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये ग्राफिक कार्ड पुराना है, ठीक है, नया नहीं है, पुराना है। तो ये जो ग्राफिक कार्ड है, ये कौन सा ग्राफिक्स कार्ड है, इसका कैसे परफॉर्मेंस है, ये सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप कोशिश करना एंड तक देखने की, ठीक है, क्योंकि अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और एक सजेस्ट करूँगा आपको इस वीडियो के अंदर कि अगर आप सीख रहे हो, आपको चाहिए तो आपको क्या नया चाहिए, नया लेना चाहिए या फिर पुराना भी आप ले सकते हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो हे गाइस, आप देख रहे थे स्मॉल टेक यूट्यूब चैनल, मैं हूं पीयूष, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो ग्राफिक कार्ड मैं दिखाने वाला हूँ, ये जो ग्राफिक कार्ड है ये पुराना है। और अगर आप सोचते हो कि आप सीखना चाहते हो या फिर शुरू करते हो, ठीक है, मतलब पे स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में आप एक पुराना ग्राफिक कार्ड ले सकते हो, ठीक है, चेक करके कि सही है कि नहीं, सही चल रहा है कि नहीं, उसके बाद आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो मतलब कि प्राइस का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। नया अगर आप लेते हो तो उस पर वारंटी भी मिलेगा, लेकिन वो काफ़ी महंगा है दोस्तों। तो आप स्टार्टिंग में अगर आप सोच रहे हो कि कुछ दिनों के लिए आपको चाहिए एक कंप्यूटर, तो आप असेंबल कर सकते हो पुराना, ठीक है। तो उसी की वजह से मैंने एक लिया, मेरा जो बोर्ड है उस लेके चलूँगा आपको। और चलिए देखते हैं कि क्या है, क्या क्या है इसके अंदर और कैसे हम इसे मतलब इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये जो है ग्राफिक कार्ड मेरे हाथ पे है, ठीक है। तो ये आसूस का है, आप देख सकते हो। तो बाय द वे मैं बता दूँ, ये नया नहीं, ये पुराना है, ठीक है। इस वजह से नया बहुत ही महंगा पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने पुराना मंगवाया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पोर्ट्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक HDMI पोर्ट है, एक VGA पोर्ट है। अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस, आपको ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो आप HDMI पोर्ट पे ही कनेक्ट करें, अगर आपकी मॉनिटर पे HDMI पोर्ट अवेलेबल है तो। और अगर आपकी मॉनिटर पे HDMI पोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप ये वाला VGA मतलब कि वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये वाला पोर्ट यूज़ कर सकते हो, मिड रेंज में आ जाता है ये। और ये HDMI यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। तो बेहतर तो यही है, ठीक है, बाकी इस पोर्ट में कोई काम आने वाला नहीं है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ फीचर्स। तो यहाँ पे है GT730, ठीक है, इसका मॉडल है GT730 DDR5 2GB, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा GT730 2GB DDR5 BRK। अगर आपको ज़्यादा देखना है तो आप ये वाला मॉडल देख के आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो ये गेमिंग में, अगर आपका गेमिंग बोर्ड है तो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। और ये आसूस का, एनवीडिया का आसूस का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एयर कूलर भी है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ग्राफिक कार्ड है जहाँ पे एयर कूलर नहीं है, लेकिन उसका जो हीट सिंक लगा हुआ रहता है वो अच्छा क्वालिटी के देते हैं, अगर प्राइस अच्छा हो तो। बाकी यहाँ पे आप आसूस का ब्रांडिंग सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप नया नया सीखना चाहते हो एडिटिंग वगैरह सब कुछ, तो आपका PC जो है उतना हाई नहीं है, तो आप सेकेंड हैंड परचेस करके कर सकते हो, लाइक प्रोसेसर, रैम सब कुछ सेकेंड हैंड मिलता है, ठीक है। और ये जो ग्राफिक कार्ड है, मेन जो महंगा चीज़ जो होता है वो है प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, ये सब कुछ महंगा होता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट है, तो कोशिश करना अगर सीखना चाहते हो तो पुराना ढूंढना, ठीक है, क्योंकि नया इसका बहुत ही महंगा है ये वाला, ठीक है। तो बाकी मैं इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। और ये मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरा GigaWide का बोर्ड में, ठीक है। तो इसका कुछ मैंने सोचा कि मैंने लिया तो आप लोगों को भी बता दूँ, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि पुराना खरीदूँ लेकिन वो अच्छा होता है कि नहीं, तो चेक कर लेना, ठीक है, अगर पुराना लेते हो तो। इसका कंडीशन अच्छा है तो इसलिए मैंने ले लिया, बाकी आप बताना। सो गाइस, वीडियो के पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टार्टिंग में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप पुराना एक ले सकते हो ग्राफिक कार्ड। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से ग्राफिक कार्ड भी एक होता है जो कि महंगा है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यार, वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना। आज का वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पर। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, गुड बाय।